विस्तार से। अमेठी में पुलिस हिरासत में हुई मौत को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी दलों ने सरकार पर झूठी दलीलों को लेकर मामले को दबाने की साजिश का आरोप लगाया है। निष्पक्ष जांच कराने और पीड़ित परिवारजन को तत्काल राहत राशि देने की मांग की गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि यूपी पुलिस अपराधियों पर मेहरबान है, लेकिन हर दिन नागरिकों को परेशान करने में भी माहिर है। अमेठी के सत्य प्रकाश शुक्ला का परिवार बता रहा है कि उनको बच्चों के सामने टॉर्चर किया गया। हापुड़ में इस तरह की घटना भी हुई थी, पर भाजपा सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर ट्वीट करके सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा, अमेठी में पुलिस हिरासत में हुई सत्य प्रकाश शुक्ला की मौत से उपजे जनाक्रोश को भाजपा सरकार झूठी दलीलें देकर दबाना चाह रही है। परिवारजन ने थर्ड डिग्री की प्रताड़ना का जो आरोप लगाया है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, नहीं तो भाजपा सरकार से जनता का रहा बचा खुचा भरोसा भी उठ जाएगा।